न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 18 अगस्त रोहतक के मेला ग्राउंड में आयोजित पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की महापरिवर्तन रैली के लिए रविवार को रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर यादव मसानी के नेतृत्व में हजारों समर्थक रोहतक के लिए रवाना हुए। इससे पहले रेवाड़ी रोहतक हाईवे गंगायचा टोल प्लाजा के पास 500 से ज्यादा गाड़ियों में सवार हजारों लोगों को महावीर मसानी ने संबोधित किया। खास बात यह रही कि NH71 पर गाड़ियों के काफिले के कारण लंबा जाम लगा रहा। इस मौके पर महावीर मसानी ने कहा कि यह महापरिवर्तन रैली प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन करने का काम करेगी। भाजपा के शासन से तंग आकर प्रदेश के लोग अब बदलाव का मन बना चुके हैं। इस बदलाव की नींव रोहतक रैली के जरिए रखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहती है। रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई हर घोषणाएं सत्ता में आते ही पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली में उमड़ी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में अपना भविष्य देख रही है। महावीर मसानी ने कहा कि कार्यकर्ता रीढ़ का काम करते हैं और रोहतक रैली के जरिए कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा की रीढ़ काफी मजबूत है। यह रैली भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट।